हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बातें करेंगे कि जो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के जो नोटिस आई हुई है जिसमें आपको प्रेफरेंस भरना है, तो बच्चों के मन में बहुत सा डाउट उठ रहा है और वो बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हमने कोशिश की है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट यहाँ क्लियर कर दें। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि जो पोस्टल डिपार्टमेंट का जो प्रोसेस होना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें अभी और होंगी और आपको कैसे प्रेफरेंस भरना है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं डूअर चैनल में देवेंद्र सिंह आपसे बातें कर रहा हूँ, तो मैं आपको आज पूरी प्रोसेस बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, CHSL 15 के जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो उनका जो सिलेक्शन हुआ था तो उनमें काफ़ी उन्हें टाइम मिल गया, तो उनके लिए दिक्कत की बात नहीं थी। एक दो जगह उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है और अभी कई जगह क्या है कि उनके मेडिकल वगैरह भी चल रहे हैं, पर उन बच्चों की जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसके बाद जो 2016 के कैंडिडेट्स हैं उनकी जो ये प्रेफरेंस लिस्ट आई है ये बहुत जल्दी आ गई है, तो यही डाउट आपके मन से हटाना है क्योंकि उन्हें पता नहीं लग रहा है कि उन्हें कौन सा स्टेट प्रेफर करना है या आगे चल के क्या प्रोसेस होने हैं। तो जैसे कि अभी 31 मार्च उन्होंने दी हुई है, आपकी इन डेट है जहाँ पे आपको बाई मेल उनको भेजना है और आपको जो डॉक्यूमेंट है हार्ड कॉपी है उसको भी उनको पोस्ट करनी है। तो मैं यही कहूँगा कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ये दोनों काम करिए, क्योंकि इस डिपार्टमेंट के पास अभी 3-4 स्टेप और हैं। तो जैसे ही सारे बच्चों के ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पहुँच जाएंगे बाय मेल और उनको एक प्रेफरेंस पता चल जाएगी कि स्टेट की प्रेफरेंस क्या है, तो वो अपना नेक्स्ट प्रोसेस उसी तरह शुरू कर देंगे। अगर एक भी बच्चे का वहाँ पे 31 मार्च तक रुका है तो फिर पूरा प्रोसेस रुका रहता है, क्योंकि वो उन्होंने इन डेट वो दे रखी है। तो आप जो मेल है जो कि DOP2016@gmail.com है, उसमें आप उनको मेल करेंगे और उसका प्रोसेस क्या है कि जो उन्होंने कल लिस्ट दे रखी है, जो PDF फाइल है उसको आप डाउनलोड करिए, उसको आप भरेंगे जो भी आपका स्टेट प्रेफरेंस है। फिर इसके बाद उसका आप स्कैन कराइए, उस स्कैन को आप मेल ID पे भेज दीजिए और उसका जो प्रिंट आउट है वो प्रिंट आउट लेके आप उनका वहाँ पे भेज दीजिए जो उन्होंने एड्रेस दे रखा है। तो इस तरह आपका वो दोनों चीज़ चाहिए, एक चीज़ मत भेजिएगा क्योंकि वहाँ पर उन्होंने एंड मेंशन कर रखा है, ना कि और मेंशन किया है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इसके बाद आपको इस स्टेट प्रेफरेंस के बाद आपका सर्किल प्रेफरेंस भी पूछा जाएगा। तो अभी क्या है कि स्टेट प्रेफरेंस में बच्चों के क्वेरी थे वहाँ पे कि अगर जैसे वो अभी यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, दिल्ली वगैरह में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आगे और CGL वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या दूसरे एग्जामिनेशन का भी अपेयर होना चाहते हैं, सिविल के लिए भी अपेयर होना चाहते हैं, तो वो लोग दिल्ली ही भरें अगर वो लोग चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है कि जो आपका स्टेट है वो मिल जाता है आपको। तो अगर आपको होम टाउन लेना है तो आप होम टाउन को फर्स्ट प्रेफरेंस से भरें, वरना आपको जो सिटी लेनी है वो मिले वहाँ पे आप भरेंगे फर्स्ट में, क्योंकि आपके फर्स्ट फिफ्थ में ही मैक्सिमम कैंडिडेट्स को जो उनका है, जो उनका प्रेफरेंस है वो मिल जाता है, ऐसा हमने देखा है। तो एक यही डिपार्टमेंट, ये भी मैं कहूँगा कि जो आपको सैलरी भी ठीक देता है क्योंकि 2400 पे स्केल है, फिर आपको होम टाउन देना का भी ज़्यादा वो रहता है कि आपको आश्वासन रहता है कि आपको मिल सकता है इसके थ्रू, तो ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, उसके लिए आप ज़्यादा कुछ मत सोचिए। फिर इसके बाद ये आपका स्टेट प्रेफरेंस हो जाएगा, तो फिर आपसे सर्किल प्रेफरेंस पूछा जाएगा। जैसे आप मान लीजिए दिल्ली में हैं तो जैसे आपको ईस्ट डिवीज़न चाहिए या आपको जो सेंट्रल डिवीज़न चाहिए या वेस्ट डिवीज़न चाहिए, फिर आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट वाला है वो आपको चाहिए, तो ऐसे करके ये आपसे प्रेफरेंस भी पूछा जाएगा। और फिर इस प्रेफरेंस के बाद क्या होगा कि आपको अलॉटमेंट लेटर आपके करस्पॉन्डेंस एड्रेस में भेजे जाएंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस से अगर आप हट गए हैं तो वहाँ पे भी उनसे कांटेक्ट में बने रहिए किसी से, ताकि जब आपका अलॉटमेंट लेटर आए तो वो आपको मिल सके, आपको इंसिमेट कर सके किसी चीज़ से और आप उस तरह कांटेक्ट में रहें। तो इसके बाद फिर आप वो अलॉटमेंट लेटर ले जाते हैं, तो वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट जमा होंगे,